हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से, मुझे जाना है घर। पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों शॉपिंग कर रहे हैं, तो इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को सारा बताऊंगी, पर लास्ट में बताऊंगी। अभी आप लोग देखिए, हम लोग जा रहे हैं घर और राजपुर रोड से ऑटो पे हमने रैपिडो करके गए हैं और 5 बजे की बस है। 4 बजे निकल चुके थे, 4:30 बजे, और बस मिल चुकी है। ऑनलाइन टिकट बुक किया था हम लोगों ने और सीट भी मिल चुकी है। और उसके बाद हम लोग सो गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने ऋषिकेश पे, मैंने ब्लॉग बनाया था, ऋषिकेश से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और इनका मूड सड़ रहा है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए तो जा रहे हैं घर। इनको आ रही है नींद, तो थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं कार। कहाँ पहुँचे? श्रीनगर। इधर देखो, श्रीनगर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। दूसरी बार का ट्रैवल पहाड़ का अच्छा लग रहा है। खुद तुम नहीं लग रहे थे, ये पूछ रहे हैं। कौन? तुमसे नहीं पूछ रहे। मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। मैं नहीं अच्छा लग रहा आज। सो गाइस, आज हम मैं इनको लेके सेकंड बार जा रही हूँ अपने घर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हम लोग किस रीज़न से जा रहे हैं घर पे। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी बताएंगे, ये कल के ब्लॉग में बताएंगे हम आपको। ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और अभी हम रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे, तब आपको ब्लॉग बनाऊँगी। बाय। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग में रुकी नहीं गाड़ी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि लंबा सफ़र है तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर्णप्रयाग में खाना खाया और ये देखो, कर्णप्रयाग पहुँचते जाते इनकी पूरी नींद भाग गई। स्टाइल देखो इनका। और फिर इनका ऑफिस का काम भी हो रहा था साथ साथ, सफ़र लंबा था तो इसलिए ऑफिस से कॉल भी आ रही थी, तो ऑफिस का काम चल ही रहा था साथ साथ। फिर ये सो गए थे जैसे मैं इनका वीडियो बना रही थी और ये उड़ गए। बहुत लंबा सफ़र के वजह से बहुत देर तक सोए रहे, ये भी सोए थे, मैं भी। फिर पहुँचे हम लोग ग्वालदम। ग्वालदम में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट जैसा कुछ खाया, चुटुर मुटुर खाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ली वहाँ से मिठाई और चिप्स भी लिए। तो देख सकते हो आप लोग, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है उधर साइड, यहाँ बहुत ठंड होती है। और फिर इन्होंने मेरे लिए चॉकलेट भी ली, चॉकलेट भी दिलाई इन्होंने मुझे, और चिप्स वगैरह सारा सामान लिया हमने। तो देख सकते हो यहाँ का ठंडा बहुत है। मैंने शॉल ऑर्डर की थी पर थोड़ी सी धूप थी तो इसलिए मैंने शॉल उठा दी। और फिर ये चॉकलेट लेके बाहर आए, पहले इन्होंने चॉकलेट ले ली थी पर इन्होंने मुझे दी नहीं, अब मुझे चॉकलेट दे दी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, ऐसे थे घर जाते जाने के बाद जब चाय पी ली थी, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। 5:30 बजे पहुंचना था पर 6 बज चुका था हम लोगों को, 6 बजे पहुंचे। तो वहाँ जाने के बाद रोहित गए थे भाई के साथ मार्केट, तो वहाँ से टिकिया लेके आए थे हम सबके लिए, टिकिया लेके आए थे। तो मैंने टिकिया खाई थी, इन्होंने बाहर से खाया था, वहीं खा के आए थे टिकिया, क्योंकि सफ़र से आने के बाद ना मन खट्टा खाने का करता है, तो थोड़ा चटपट खाने का मन करता है, तो इसलिए टिकिया लेके आए थे ये मेरे लिए। तो देख सकते हो पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, सब लोग खुश हैं हमें देख के, खासतौर रोहित को देख के, क्योंकि रोहित जहाँ भी जाते हैं उनसे हर किसी से अच्छे से बात करते हैं, तो मम्मी पापा बहुत अच्छा मानते हैं इनको। तो देख सकते हो आप लोग, फिर
फिर हम लोगों ने खाना खाया, आधे एक घंटे के बाद खाना खाया। हम नीचे बैठ के, अच्छा लगता है हम लोगों को, सब लोग नीचे बैठ के खाते हैं खाना। तो मम्मी ने बनाई थी सब्जी, तोरिया की सब्जी बनाई थी और मडवे की रोटी और गेहूं की रोटी थी। और रात का, दिन में मम्मी ने कद्दू की सब्जी बनाई थी, वो भी रखा था। तो फाइनली खाना खाने के बाद रोहित ने मुझे ये रेमेडी बताई थी, रोहित ने ही बट दीदी ने बताया था मेरी होने वाली ननद ने, कि आज चाय पत्ती और मेथी को गर्म पानी में पका के उसको उबाल के उसमें अपना जो शैम्पू ठंडा करके शैम्पू डालने के बाद उसको बालों पे लगाने के बाद सिल्की होते हैं करके। तो मैंने वही रेमेडी रोहित ने बोला कि कर लो, तो मैंने किया और अपने उसमें तो लगाया ही, फिर उसके बाद मम्मी के उसमें भी लगाया, मम्मी को भी, मम्मी का लगाने के बाद मैंने मम्मी को बना दिया था भूत देखो। और रात का समय था हमारा 10 बजे के समथिंग, हम लोग आराम से लेट ही सोए थे क्योंकि उसी दिन पहुँचे थे, तो सब लोग बोल रहे थे थोड़ी देर बातचीत करते, तो थोड़ी देर पहले बातचीत करी थी और मैं मम्मी के साथ थोड़ी सी कॉमेडी करते हुए दिख रहा है इसमें। तो हमारा अभी घर नया बना है आगे, तो अभी थोड़ा बहुत काम है उसमें अभी। और तो मम्मी को देखो, मम्मी बैठ गई सॉल उड़ के, क्योंकि वो जो उसमें से निकल रहा था पानी, पूरी मेहंदी की तरह खुशबू आ रही थी उससे। तो रात भी काफ़ी हो चुकी है, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में और इससे अच्छा आएगा, और कल के ब्लॉग में बताती हूँ, सॉरी गाइस, कि जो सरप्राइज़ है आपको कल के ब्लॉग में बताती हूँ। कल के ब्लॉग में सारा कुछ बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है, कल मार्केट जाएंगे फिर आप लोगों को सब बताऊँगी। तो कल मिलते हैं, और अभी तो हमारी थोड़ी कॉमेडी बची है। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।